सिटी की रहने वाली लड़की न जाने कैसे हमारे बलिया में आ गई है और उसको भर्ती कराया गया। जैसा कि यहाँ पे हमने पता किया तो सरकारी रोडवेज द्वारा बेलथरा से उसको कोतवाली कल लाया गया और कोतवाली से उसको कल भर्ती जिला अस्पताल में कराया गया। उसका इलाज चल रहा था तभी वहाँ के कुछ स्टाफों ने हमको फ़ोन किया, इस भाई सिक्किम से एक लड़की आई है, आप कुछ इनकी मदद करें। मैं वहाँ पर तत्काल पहुँचा, उसके बारे में जानकारी लिया, उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल किया और बहुत सारे लोगों का मुझ पर फ़ोन आना स्टार्ट हुआ और कुछ जड़ तक हम पहुंच भी चुके थे कि वो लड़की कहाँ की है, कैसे है। कुछ एक हमारे भाई हैं, उनकी पत्नी सिक्किम में रहती हैं और उनसे कुछ बात वोत हुई, वो लड़की अपनी सारी पीड़ा बताई, लेकिन लड़की डरी हुई थी, सहमी हुई थी और उसके कपड़े गंदे थे। तो हम लोगों ने उसको बोला कि आप रहिएगा, सुबह हम लोग आएंगे, आपका ड्रेस लेकर आएंगे, कपड़ा लेकर आएंगे, खाना लेकर आएंगे, आप यहीं पर नहाइएगा धोइएगा और फिर आपसे बात करेंगे। फिर हम लोगों ने आपस में एक बात किया कि एक बार घूमते फिरते जवान लड़की है, हम लोग आ जाएंगे 10 बजे, एक बार खाना पीना लेकर देखने के लिए कि कैसी है। जब अस्पताल हम लोग पहुँचे तो लड़की वहाँ से गायब है और जिला अस्पताल में वो लड़की नहीं है। वहाँ के हमने एक सिपाही से पूछा कि लड़की कहाँ गई, तो बोले कि पुलिस ले गई। हमने पूछा कि पुलिस ले गई, महिला थाना ले गई कि जेंट्स पुलिस ले गई, वो उसने बोला कि हम नहीं जानते हैं, पुलिस ले गई। मुझे डर लगा कि भाई लड़की के साथ कुछ होना, मैं बलिया महिला थाने पर आया, महिला थाने के कांस्टेबल से मैंने पूछा कि कोई सिक्किम की लड़की जो है जिला अस्पताल में से लेकर आप लोग आए हैं, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसी कोई लड़की को हम लेकर नहीं आए हैं। फिर बलिया कोतवाली में हम लोगों ने पूछा कि कोई सिक्किम की लड़की यहाँ पे है, उन लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पे कोई लड़की नहीं है। तो सवाल ये उठता है कि लड़की गई कहाँ, लड़की गई कहाँ, महिला थाने में भी नहीं है, कोतवाली में भी नहीं है। और कोतवाल साहब को मैंने फ़ोन किया अपने नंबर से, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद तो अजय यादव जी कोई जिला अस्पताल के इंचार्ज हैं, वो किसी महिला कांस्टेबल के साथ उस लड़की को ले गए हैं। तो मेरा सवाल है कि अगर लड़की को वो ले गए हैं तो लड़की को महिला थाने में लाना चाहिए, लड़की अभी तक नहीं है, लड़की कहाँ ले गए हैं, क्या अपने घर पे पूछताछ के लिए ले गए हैं या कहाँ। अगर कहीं पर भी ले गए हो तो उसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए थी, वो लड़की इस समय कहाँ है, कैसी है, इसकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। अगर नहीं मिलती है तो इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही है और मैं तो साफ साफ कहूँगा कि ये लोग मिलजुल कर उस लड़की के साथ कुछ न कुछ गलत करने का सोच रहे हैं। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग इसकी आवाज़ उठाइए। बाहर की लड़की बेचारी आई है, उसके साथ न जाने कितने घटने हुए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं, उससे पूछे हम लोग और पूरे रास्ते भर उसके साथ घटना ही घटना होते आया है। और यहाँ पे भी जहाँ इंसाफ की बात हो रही है वहाँ पे भी मुझे उसके साथ कुछ गलत होने का अंदेशा लग रहा है, क्योंकि इंचार्ज साहब अगर वहाँ से उठाए हैं तो उनको कोतवाली में इंफॉर्मेशन देना चाहिए था, सूचना देना चाहिए था। यहाँ के किसी भी सिपाही को नहीं पता है कि कोई लड़की आई है, महिला थाने में लाना चाहिए था, किसी भी महिला कांस्टेबल को नहीं पता है कि वो लड़की जो है यहाँ पर आई है, तो आखिर वो लड़की गई कहाँ। दूसरी बात, सबसे अहम बात, चौकी इंचार्ज साहब से हमारी बात हुई, उनका तो नंबर नहीं लग रहा था और जब नंबर लगा तो वो पूछे, हाँ बताइए। मैंने बोला कि मैं सागर सिंह राहुल, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष हूँ, सोशल वर्कर हूँ, तब तक मेरी आवाज़ एकदम उनको क्लियर सुनाई दे रही थी, कह रहे थे हाँ बताइए। लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि कोई सिक्किम की लड़की आप अस्पताल से, बस इतना मैंने बोला तो उन्होंने कहा